हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर करूंगी। पाव भाजी हम सभी बहुत पसंद करते हैं। आज मैं जिस तरीके से पाव भाजी बना रही हूँ, उसको बनाना बहुत इजी है और बहुत डिलीशियस लगती है। तो देखते हैं अपनी डिलीशियस सी पाव भाजी की रेसिपी को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी बीट रूट ली है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। ये फूल गोभी है, इसको भी मैंने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ी सी ये गाजर ली है, ये हरी मटर है, इसको भी छील लिया है। थोड़े से ये टमाटर, इनको भी कट करके रख लिया है। एक ये बड़े साइज़ का आलू लिया है, इसको भी इस तरीके से काट लिया है। आलू से क्या है, बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अभी चलते हैं सब्जियों को बॉयल करने की प्रोसेस में। कुकर में बॉयल कर लेंगे सब्जियों को। थोड़ा सा तेल डालेंगे, ये जीरा, जब जीरा चटक जाएगा तब ये एक स्पून में पाव भाजी मसाला ऐड करूँगी। पाव भाजी मसाला ऐड करने से क्या है, सब्जियों में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पाव भाजी मसाले का। सबसे पहले टमाटर डालेंगे और 30 से 40 सेकेंड तक भून लेंगे। इसके बाद में जो भी सब्जियां हैं वो सारी डाल देंगे। ये फूल गोभी, बीट रूट, ये गाजर, आलू, मटर, सारी सब्जियों को डाल के अच्छे से भूनेंगे 2 मिनट तक। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। इसके बाद में ये थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सब्जियों को अच्छे से भून लिया है मैंने। अभी यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास में पानी ऐड करूँगी। पानी का कुछ फिक्स मेज़रमेंट नहीं करना है, इसकी जो भी कंसिस्टेंसी है उसको बाद में भी सेट कर लेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में कुकर को बंद कर देंगे और इसको 3 से 4 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। और इसके बाद में इसकी जो गैस है वो खुद से निकल जाने देंगे। उसके बाद में कुकर को ओपन करेंगे। गैस निकल चुकी है कुकर की, कुकर को ओपन करेंगे अभी। ये देखिए, सब्जियाँ बॉयल हो चुकी हैं। इसमें अभी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, उसको हम बाद में सेट कर लेंगे। चलते हैं इसको फ्राई करने की प्रोसेस में। थोड़ा सा बटर डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे, क्योंकि केवल बटर में जो प्याज हम फ्राई करेंगे वो जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें। तेल गर्म हो गया है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। थोड़ा सा सॉटे करेंगे इसको 30 से 40 सेकेंड के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी कटी हुई प्याज डालेंगे, इसको भी भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ी देर भूनेंगे इसको। ये देखिए, इसी तरीके से चलाते रहेंगे प्याज को, नहीं तो जल जाएगी। प्याज भुन चुकी है, यहाँ पे थोड़ी सी इस कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसको भी हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फ्राई करना है इसको, बस थोड़ी देर और इसको भूनेंगे। शिमला मिर्च हो चुकी है। अभी सूखे मसालों में हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा, आधा चम्मच ये गर्म मसाला है, ये धनिया पाउडर थोड़ा सा, ये पाव भाजी मसाला है, इसको भी ऐड करेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको भी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा कलर आएगा सब्ज़ी में। अच्छे से भून लेंगे सभी मसालों को। एक बार आप भी इसी तरीके से सर्दियों में पाव भाजी बना के देखिए, बहुत अच्छी बनती है। देखिए, मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं, क्योंकि जो तेल है वो साइड साइड से छोड़ने लगा है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर जो बॉयल की हुई सब्जियाँ हैं वो ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे मसालों के साथ में इनको भी। हमने पहले इसमें जो पाव भाजी मसाला ऐड किया था उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया होगा सब्जियों में। सब्जियों को इसी तरीके से 2 मिनट तक चलाएंगे। उसके बाद में किसी मैशर से या फिर किसी स्पून से मैश कर लेंगे अच्छे से। देखिए, मैशर से मैं इसको मैश कर ले रही हूँ। इस तरीके से आप भी कर लीजिए। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप स्पून से भी कर सकते हैं। सब्जियों को मैश कर लेने से बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। देखिए, अच्छे से मैश कर लिया है सब्जियों को। यहाँ पर ये हाफ लेमन में स्क्वीज़ कर रही हूँ।
इससे जो टेस्ट है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे इसको भी। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस का फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखेंगे। देखिए थोड़ा सा ये पाव भाजी मसाला और ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिए। अगर आपको थोड़ा रसेदार रखना है तो आप बॉईल करके पानी और ऐड कर सकते हैं। देखिए अच्छे से पक चुकी है सब्ज़ी। कंसिस्टेंसी भी एकदम ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी एक कटी हुई हरी धनिया ऐड करेंगे। देखिए भाजी का कलर कितना अच्छा आया है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिए। भाजी बनके एकदम तैयार है। अब चलते हैं पाव को सेकने की प्रोसेस में। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। ग्रीस करेंगे तवा को बटर से। थोड़ी सी ये जो भाजी हमने बनाई थी वो डाल देंगे। इससे क्या होगा, पाव को जब हम सेकेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी ये कटी हुई हरी धनिया है और ये पाव को इस तरीके से लेंगे और बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे। कट कर लिया है पाव को और इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे। थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको सेकेंगे। तरीके से पलट लेंगे। दोनों साइड में अच्छे से सेकना है। पाव को सेकते टाइम जो हमने सब्ज़ी इसमें यूज़ की है इससे जो टेस्ट है वो और अच्छा आएगा। इसी तरीके से दोनों साइड में पाव को सेक लेंगे। पाव अच्छे से सिक चुका है, इसको हटा लेंगे और इसको गर्मा गर्म भाजी के साथ में सर्व करेंगे। पाव भाजी की प्लेट एकदम तैयार है। इसके साथ में थोड़ी सी प्याज काटिए, हरी मिर्च को फ्राई कीजिए, बटर डाल के इसको सर्व कीजिए। बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।